रात हो गई, चारों ओर निवीर अंधकार छा गया। तोता न जाने पत्तों में कहाँ छिपा बैठा था। महादेव जानता था कि रात को तोता कहीं उड़कर नहीं जा सकता और न पिंजरे ही में आ सकता है, फिर भी वह उस जगह से गिरने का नाम न लेता था। आज उसने दिन भर कुछ नहीं खाया, रात के भोजन का समय भी निकल गया, पानी की बूंद भी उसके कंठ में न गई, लेकिन उसे न भूख थी न प्यास। तोते के बिना उसे अपना जीवन निसार, शुष्क और सूना जान पड़ता था। वह दिन रात काम करता था इसलिए कि ये उसकी अंतः प्रेरणा थी। जीवन के और काम इसलिए करता था कि आदत थी। इन कामों में उसे अपनी सजीवता का लेश मात्र भी ज्ञान न होता था। तोता ही वह वस्तु था जो उसे चेतना की याद दिलाता था। उसका हाथ से जाना जीव का देह त्याग करना था। महादेव दिन भर का भूखा प्यासा थका मांदा रह रहकर झपकियां ले लेता था, किंतु एक क्षण भी फिर चौंक कर आंखें खोल देता और उस विस्तृत अंधकार में उसकी आवाज सुनाई देती, सत्य गुरुदत्त शिव दत्त दाता। आधी रात गुजर गई थी, सहसा वो कोई आहट पाकर चौंका। देखा एक दूसरे वृक्ष के नीचे एक धुंधला दीपक जल रहा है और कई आदमी बैठे हुए आपस में कुछ बातें कर रहे हैं। वे सब चिलम पी रहे थे। तमाकू की महक ने उसे अधीर कर दिया। उच्च स्वर से बोला, सत्य गुरु दत्त शिव दत्त दाता, और उन आदमियों की ओर चिलम पीने चला गया। किंतु जिस प्रकार बंदूक की आवाज़ सुनते ही हिरण भाग जाते हैं, उसी प्रकार उसे आते देख सब के सब उठकर भागे। कोई इधर गया कोई उधर। महादेव चिल्लाने लगा, ठहरो ठहरो। एकाएक उसे ध्यान आ गया ये सब चोर है। वह जोर से चिल्ला उठा, चोर चोर पकड़ो पकड़ो। चोरों ने पीछे फिर कर न देखा। महादेव दीपक के पास गया तो उसे एक कलसा रखा हुआ मिला जो मोर्चे से काला हो गया था। महादेव का हृदय उछलने लगा। उसने कलसे में हाथ डाला तो मोहरें थी। उसने तुरंत कलसा उठा लिया और दीपक बुझा दिया और पेड़ के नीचे छिप कर बैठा रहा। साह से चोर बन गया। उसे फिर शंका हुई, ऐसा ना हो चोर लौट आवे और मुझे अकेला देखकर मोहरे छीन ले। उसने कुछ मोहर कमर में बांधी, फिर एक सूखी लकड़ी से जमीन में मिट्टी हटाकर कई गड्ढे बनाए, उन्हें मोहरों से भरकर मिट्टी से ढक दिया। महादेव के अंत नेत्रों के सामने अब एक दूसरा जगत था, चिंताओं और कल्पना से परिपूर्ण। यद्यपि अभी कोष के हाथ से निकल जाने का भय था, पर अभिलाषाओं ने अपना काम शुरू कर दिया। एक पक्का मकान बन गया, सराफे की एक भारी दुकान खुल गई, निज संबंधियों से फिर नाता जुड़ गया, विलास की सामग्रियां एकत्रित हो गई। तब तीर्थ यात्रा करने चले और वहां से लौटकर बड़े समारोह से यज्ञ ब्रह्म भोज हुआ। इसके पश्चात एक शिवालय और कुआं बन गया, एक बाग भी लग गया और वह नित्य प्रति कथा पुराण सुनने लगा, साधु संतों का आदर सत्कार होने लगा। अकस्मात उसे ध्यान आया, कहीं चोर आ जाए तो मैं भागूंगा क्यों कर। उसने परीक्षा करने के लिए कलसा उठाया और 200 पग तक बेतहाशा भागा हुआ चला गया। जान पड़ता था उसके पैरों में पड़ लग गए हैं। चिंता शांत हो गई। इन्हीं कल्पनाओं में रात व्यतीत हो गई। उषा का आगमन हुआ, हवा जगी, चिड़ियां गाने लगी। सहसा महादेव के कानों में आवाज आई, सत्य गुरुदत्त शिव दत्त दाता, राम के चरण में चित्त लागा।